हेलो गाइस, माई सेल्फ योगेंद्र शर्मा अगेन वेलकम यू टू द माई चैनल फेयर इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ाऊंगा और ये वीडियो आपको जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये आप लास्ट तक देखें। बहुत सारी जो आपकी कठिनाइयाँ हैं वो यूं ही चुटकियों में वो समाप्त होने वाली हैं। देखते रहिए गौर से। पास्ट परफेक्ट टेंस बहुत ईजी है, लेकिन मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट्स को थोड़ा सा बहुत ही मतलब एक टफ के रूप में लेते हैं कि ये टफ है। ऐसा कुछ नहीं है, आप मेरे साथ पढ़ते रहिए, मेरे साथ देखते रहिए, गौर से सुनते रहिए, और जो आपकी समझ में नहीं आता उसको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। मैं आगे वीडियो में आपको आपकी जो क्वेरीज हैं उनको सॉल्व करूँगा। तो सबसे पहले इसकी पहचान देख लेते हैं। ये जो टेंस है इसके जो हिंदी वाक्य होते हैं, हिंदी सेंटेंस होते हैं, उसकी जो वर्ब होती है उसके अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, चला गया था आदि शब्द आते हैं। हाँ, जिस सेंटेंस के अंत में, हिंदी सेंटेंस के अंत में इस तरह के शब्द आते हैं वो किसका होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस का। ठीक है, इसकी हेल्पिंग वर्ब, ओनली हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, और ओनली का मतलब है कि सबके साथ फिर इसी का यूज़ होना है, चाहे कोई सिंगुलर नंबर का है चाहे कोई प्लूरल नंबर का है। कैसा भी है सबके साथ इसी का यूज़ होना है। हाँ, दूसरी बात, परफेक्ट है, पहले टेंस में बताया था मैंने, जहाँ परफेक्ट लग जाएगा ये समझिए वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है, तो इधर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाती है। हाँ, दूसरी बात, पहले के लिए, यदि इसमें सेंटेंस में कहीं पहले लिखा हुआ था तो उसके लिए हम बिफोर लगाएंगे, और कहीं बाद लिखा हुआ था तो उसके लिए क्या लगाएंगे? आफ्टर लगाएंगे, उसके लिए आफ्टर लगाते हैं। चौथी बात एक, हाँ, यदि सेंटेंस सिंपल होता है तो उसमें कोई बात नहीं है, और यदि सेंटेंस में दो घटनाएँ होती हैं, टू इवेंट्स होती हैं, दो तरह के एक्शन होते हैं उसमें, तो क्या होता है कि जो पहली घटना है, जो पहली इवेंट है, उसको हम सदा, ध्यान रखने की बात है, उसको हम सदा पास्ट परफेक्ट में ही बनाते हैं, सदैव पास्ट परफेक्ट बनाते हैं, और दूसरी घटना को सदैव पास्ट इंडेफिनिट बनाते हैं। अब इसके हम एग्जांपल देख लेते हैं। जहाँ केवल सिंगुलर इवेंट है, जहाँ केवल एकमात्र घटना है, सिंगल इवेंट है, तो वहाँ क्या करते हैं? जैसे वह पहले ही दिल्ली चली गई थी। हाँ, तो सीधी सी बात है, आप अब तक पढ़ते आए हुए हैं कि पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, हमने सब्जेक्ट लगा दिया, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगा दी हैड, उसके बाद में वर्ब गॉन, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, टू डेली और बिफोर। और देखिए पहले ही की अंग्रेजी एक ऑलरेडी भी होती है, ऑलरेडी माने भी पहले ही होता है, तो यदि हम बिफोर न लगाते हैं और ऑलरेडी लगाते हैं तो ऑलरेडी हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद में लगाते हैं, यहाँ हम ऑलरेडी लिख सकते हैं, इससे कोई भी सेंटेंस में फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब ऑलरेडी लगाएंगे तो बिफोर नहीं लगाएंगे, और बिफोर लगाएंगे तो ऑलरेडी नहीं लगाएंगे। ठीक है, मैं समझता हूँ यहाँ तक आप समझ रहे होंगे, ग्रेस्प कर रहे होंगे। अब देखिए, ये तो था हमारा सिंपल सेंटेंस, हाँ, जिसमें एक ही इवेंट थी, लेकिन जिसमें दो इवेंट होती हैं उसको हम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं सेंटेंस को, ध्यान रखना, क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स। हाँ, और इसमें क्लोज होते हैं, तो दोस्तों मैं आपको क्लोज में बिल्कुल नहीं उलझाऊंगा। हाँ, क्लोज के, यदि क्लोज में उलझा दिया तो आप उलझ जाएंगे, लेकिन उसका बहुत ही सिंपल एक तरीका बता रहा हूँ। हाँ, कि कोई भी सेंटेंस है उसमें एक सेंटेंस में या तो पहले आएगा या बाद आएगा। यदि इस तरह का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा तो उसमें पहले आएगा या बाद आएगा। ठीक है, अब जैसे पहला सेंटेंस है, मेरे सोने से पहले वह अपना कार्य समाप्त कर चुकी थी, और इसमें दूसरा जो एग्जाम्पल लिखा मैंने, सूर्य छिपने के बाद हम घर लौट चुके थे, तो एक इवेंट इससे पहले की हो गई और एक बाद की हो गई। ऐसे इसमें एक इवेंट पहले की हो गई और एक बाद की हो गई। तो ध्यान रखने की बात है कि हमेशा ये जो बाद वाला हिस्सा होता है, जो बाद वाला पोर्शन है, जो बाद वाला पार्ट है, इसको ही शुरू में हम ट्रांसलेट करते हैं, शुरू में ही ट्रांसलेट इसको करते हैं, जैसे कि वह अपना कार्य समाप्त कर चुकी थी। हाँ, तो इसमें एक बात ध्यान रखने की है कि यदि सेंटेंस में पहले आ रहा है, गौर से सुने मेरी बात को, कि यदि सेंटेंस में पहले आ रहा है तो पास्ट परफेक्ट टेंस पहले बनता है, और सेंटेंस में यदि बाद आ रहा है तो पास्ट परफेक्ट टेंस बाद में बनता है। दो बातें हैं केवल, बहुत आसान बात है कि यदि सेंटेंस में पहले आ रहा है तो पास्ट परफेक्ट पहले बनेगा, और सेंटेंस में बाद आ रहा है तो पास्ट परफेक्ट बाद में बनेगा। कब? जब किसी सेंटेंस में दो इवेंट हों, दो इंसिडेंट हों। अब इसमें हमने बनाया, पहला, वह अपना कार्य समाप्त कर चुकी थी, पहले आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि सी हैड, परफेक्ट में बनाएंगे सी हैड, और समाप्त करने की फिनिश, उसकी थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, हर वर्क, और पहले की अंग्रेजी लगा दी हमने बिफोर। अब ये हिस्सा बनेगा किसमें? पास्ट इंडेफिनिट में। हमने लिखा ना यहाँ पर कि दूसरी घटना को पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं, तो ये किस हिस्सा किसमें बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट में। तो सब्जेक्ट हो गया आई, और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आई लगा दी हमने, स्लिप की सेकंड फॉर्म स्लेप्ट हो गई। अब द वेरी सेम नीचे है,
इसमें भी बाद आ रहा है, दो घटनाएं, लेकिन हमने बताया कि हमेशा बाद वाले हिस्से को शुरू में बनाती हैं, तो इसमें भी ये हिस्सा कहाँ बनेगा, शुरू में बनेगा, और हमने बना दिया क्योंकि बाद आ रहा है तो पास्ट परफेक्ट बाद में बनेगा, इसलिए इसको किस में बनाएंगे, हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। हम घर लौट चुके थे, वी रिटर्न्ड, क्यों पास्ट इंडेफिनिट है और इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है अफर्मेटिव में, वी रिटर्न्ड होम, बाद की अंग्रेजी लगाई आफ्टर हमने, और बाद वाला ऐसा किस में बनाया, पास्ट परफेक्ट में, द सन हैड सेट, समझे। अब एक बात और बताएंगे हम इसमें कि एक घटना और एक बात और होती है इसमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप गौर से देखते रहिए उसको, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना है कि एक होता है इसमें वैन, और वैन माने क्या होता है, जब, वैन माने जब, और जब की अंग्रेजी शुरू में ही लगा देते हैं, तो क्या होता है इसमें कि जब वैन होता है, जैसे सेंटेंस होता है कि जब मैं स्कूल पहुंचा तो या तब बारिश हो चुकी थी, ये हो गया। अब दो इवेंट इसमें भी हैं, लेकिन इसमें पहले नहीं है, इसलिए जो जिस टेंस में है उसी में हम बना देंगे। जब की अंग्रेजी हमने बताया व्हेन, मैं स्कूल पहुंचा, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट हो गया, आई, सेकंड फॉर्म आ गई रीच्ड द स्कूल, और तब की अंग्रेजी नहीं लगाते हैं, कॉमा लगा देते हैं, बारिश हो चुकी थी, इट पास्ट परफेक्ट हो गया, हैड रेन्ड, बारिश हो चुकी थी। तो ये बात समझ में आई आपकी, मैं इस बात को एक बार फिर देख लीजिए कि यदि पहले आ रहा है तो पास्ट परफेक्ट पहले बनेगा, बाद आ रहा है तो पास्ट परफेक्ट बाद में बनेगा, और एक स्ट्रक्चर मैं यहां बना देता हूं कि यदि बिफोर आ रहा है तो इसका मतलब क्या कि पहला हिस्सा पास्ट परफेक्ट, इससे पहले, और इसके बाद में पास्ट इंडेफिनिट, और यदि आफ्टर आ रहा है इसमें तो पहले पास्ट इंडेफिनिट जब हम उसको ट्रांसलेट करते हैं, और बाद वाला पास्ट परफेक्ट होता है, ठीक है। एक बात और कि किसी भी सेंटेंस में यदि की आ जाए तो की के लिए क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं, की के लिए दैट लगाएंगे, और फिर सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, राम ने कहा, राम ने कहा कि पिताजी बाहर गए हैं। अब ये भी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसमें पहले और बाद नहीं है, और जब पहले और बाद नहीं है तो जो जिस टेंस में है उसी में बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा पेच है, क्या पहले बनाएंगे, राम ने कहा, पास्ट इंडेफिनिट है, राम सेड, की अंग्रेजी क्या लगाएंगे, दैट। अब एक नियम होता है सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, तो उसमें क्या होता है कि यदि पहला हिस्सा पास्ट टेंस में होता है, पहली क्लोज या प्रिंसिपल क्लोज, तो अगली जो क्लोज होती है सबॉर्डिनेट उसको पास्ट में बनाते हैं, बेशक ये प्रेजेंट परफेक्ट दिखाई दे रहा है लेकिन इसको किस में बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट में, फादर हैड गॉन आउट, ओके गाइस। सो आफ्टर अफर्मेटिव लेट्स मूव टुवर्ड्स नेगेटिव, नेगेटिव देखते हैं, नेगेटिव में क्या, सीधा हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगाते हैं, लेकिन इसमें दो इवेंट हैं, तो हमें केवल ये देखना होगा कि कौन सा टेंस पहले बनाना है, उसकी हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पत्र लिखने से पहले राम अपना कार्य समाप्त नहीं कर चुका था, तो अभी मैंने स्ट्रक्चर बनाया था कि जिसमें बिफोर आएगा उसमें क्या करना है, पहला हिस्सा हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे और बाद वाला बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। अब वही रूल हम फॉलो कर रहे हैं, कैसे फॉलो कर रहे हैं कि हमेशा बाद वाला हिस्सा पहले बनता है, बाद वाला हिस्सा हम पहले बना रहे हैं, हाँ, लेकिन किस में बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट में। राम हैड नॉट फिनिश्ड, समाप्त करने की, और राम के साथ अपनी की अंग्रेजी हिज होगी, हिज वर्क बिफोर पहले की अंग्रेजी लगाई, और इधर किस में बनाए, पास्ट इंडेफिनिट में, आई रोट ए लेटर।
अब ये तो पहले वाला हुआ, अब बाद वाला बनाएंगे तो कैसे होगा? द सेम प्रोसेस होगी, बस बाद वाले में क्या होता है, मैंने पिछले में बताया था, फिर बता रहा हूं कि आफ्टर पास्ट इंडेफिनिट शुरू में और पास्ट परफेक्ट बाद में, इसी नियम को फॉलो करेंगे। तुम्हारे सोने के बाद वह शहर नहीं गई थी, तो हमेशा बाद वाला हिस्सा पहले बनाते हैं, लेकिन अब किस में बनाएंगे हम? पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे तो सी डिड नॉट गो टू द सिटी, हाँ डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई यहां पर क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है। फिर बाद की अंग्रेजी लगाई आफ्टर तुम्हारे सोने, अब यह बनेगा पास्ट परफेक्ट में तो यू हैड स्लेप्ट, ठीक है। इसके बाद देखते हैं इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव वही फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप, वही दो इवेंट होंगे, यदि दो इंसिडेंट हैं तो उसी हिसाब से चलेंगे। एग्जांपल देख लेते हैं, क्या चांद अस्त होने से पहले तुमने खाना खा लिया था? पहले आ रहा है तो इसका मतलब ये हिस्सा शुरू में बनेगा, हाँ शुरू में बनेगा तो किस में बनेगा? पास्ट परफेक्ट में बनेगा, पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे तो क्या हैड यू, क्योंकि क्या आ रहा है, क्या की अंग्रेजी नहीं लगाएंगे, फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव है इसलिए, तो सबसे पहले हैड लगाएंगे, हैड यू एटेन द फूड, पहले की अंग्रेजी बिफोर, और इसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे क्योंकि एक बार बन चुका है ये फर्स्ट टाइप, एक बार बन चुका है, एक बार हेल्पिंग ओवर आ गई है तो बाद में नहीं आएगी, बाद में जो टेंस है सीधा साधा आता है, इसलिए क्या जाएगा द मून सेट। अब यदि बाद आता है इसमें, जैसे इसमें बाद आ रहा है ये, क्या राम के वन जाने के बाद दशरथ, राजा दशरथ मर गए थे, तो क्या की अंग्रेजी नहीं लगाएंगे? बाद वाला हिस्सा इसको शुरू में बनाएंगे, अब क्योंकि बाद आ रहा है इसमें, बाद आ रहा है तो पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, डेड किंग दशरथ डाई, बाद की अंग्रेजी लगा दिया, आफ्टर राम हैड गोन टू फॉरेस्ट, क्योंकि ये हिस्सा किस में बनेगा? पास्ट परफेक्ट में। इसके बाद में सेकंड टाइप, सेम चीज है, बस क्वेश्चन वर्ड पहले लग जाएगा, सूर्य निकलने से पहले वह कहाँ चला गया था, तो इसको बनाएंगे वह कहाँ चला गया था, हमेशा बाद वाला हिस्सा बनाते हैं, मैंने कई बार दोहरा दिया इस बात को, अब क्योंकि पहले आ रहा है तो पास्ट परफेक्ट बनाएंगे, वेयर हैड ही गॉन, पहले बिफोर द सन रोज, पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। इसके बाद में यही बाद वाली प्रोसेस जो होगी वो क्या होगी, एग्जाम्पल देखें, स्नान करने के बाद तुमने नाश्ता क्यों किया था, हा? तो हमेशा बाद वाला हिस्सा, ये बात बार बार कह रहा हूं मैं, ध्यान रखने वाली बात है कि हमेशा बाद वाला हिस्सा शुरू में बनता है, तो अब बाद आ रहा है तो किस में बनाएंगे इसको? पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, देखिए पास्ट इंडेफिनिट हो गया, व्हाई डिड यू टेक ब्रेकफास्ट, नाश्ता क्यों किया था, और स्नान करने के बाद, तो स्नान भी तुमने किया था, अर्थात सब्जेक्ट इधर भी यू होगा, तो पास्ट परफेक्ट बनाएंगे, आफ्टर यू हैड टेकन बाथ। और यदि ये सेंटेंस नेगेटिव होता है इंटरोगेटिव, तो मैंने पिछली वीडियोज में भी बताया था कि यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव हो तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं, हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दीजिए। यदि नेगेटिव सेंटेंस इंटरोगेटिव बन जाए, राम स्नान करने के बाद तुमने नाश्ता क्यों नहीं किया था, तो व्हाई डिड यू नॉट, ओके। तो मैं समझता हूँ कि ये सब चीज़ें आपको पसंद आई होंगी, समझ में आई होंगी, और यदि समझ में नहीं आई हैं तो कमेंट बॉक्स में डालें, मैं और कोशिश करूँगा अच्छी तरह से बताने की। थैंक यू।